ये है पुराना वाला डिस्प्लेट गया था पूरा काम से ही ना लाइनिंग। हेलो हाय दुआ सलाम नमस्ते वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैड एस मोटर्स। आई नो थोड़ा बाल का हुलिया खराब है, क्या कह रहे हेलमेट के ऐसे हुलिया खराब ही हो जाता है। आज मैं आया हूँ मीनाक्षी टीवीएस में वाशी में, हमारा जाना माना जगह। आज हम करेंगे हमारी बाइक का 5th सर्विस, और अगर आप मैनुअल बुक के हिसाब से जाते हो, अगर मैनुअल बुक के हिसाब से तो उसमें दिया हुआ आपका 5th सर्विस 11,500 से लेकर 12,000 के बीच में आता है, या फिर 12 मंथ के पहले 12 मंथ पे। तो देखा जाए तो 18 मार्च को मेरे बाइक को हो जाएगा 1 साल, और अभी तक मैंने मेरी बाइक चलाई है 11,700 किलोमीटर्स। आज इसका करते हैं सर्विस। आज इसमें वही ऑयल चेंज ये सब होगा, लेकिन इसमें एड ऑन और भी चीज़ें होने वाली है। एयर फिल्टर चेंज होगा, स्पार्क प्लग्स भी चेंज होंगे मैनुअल बुक के हिसाब से, और भी कुछ है थोड़े मोटे चीज़ें वो मैं चेंज करूँगा। पीछे हमारे ट्रैकों का टेस्ट राइड होके आ चुका है, टेस्ट राइड हो चुका है। अब जानते हैं इसमें क्या क्या दिक्कत और दिख रही है। और मेरे नंबर प्लेट के ऊपर का जो लाइट होता है वो शायद से फ्यूज हो गया है, वो डालना है मुझे, बाकी सब नॉर्मल। ये हमारी ट्रैको है, इसमें आज 5th सर्विस आ चुका है, और आज भाई बहुत ही तगड़ा बिल बना है। अमाउंट बता देता हूँ मैं, 2,805 रुपये का। इससे कम तो नहीं, इससे ज़्यादा ही होगा वो बता रहे हैं। इसमें क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं सर्विस का बता देता हूँ, धीरे धीरे कवर करते हैं। इंजन ऑयल चेंज होगा, इंजन ऑयल वो सब चेंज हो जाएगा। चैन सेटिंग होगी, क्योंकि मैंने बाहर से चैन टाइट करवाया था तो उस पागल बंदे ने काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दिया चैन, तो घड़ 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 आवाज़ आ रहा है। और आगे के ब्रेक पैड्स ओपन होंगे, क्लीन होंगे। ये हो गया सर्विसिंग का। अब आता है एड ऑन में क्या क्या होगा इसमें जो सर्विस में आता है। एयर फिल्टर चेंज होगा, स्पार्क प्लग्स नए डालेंगे इसमें, कंपनी में लिखा हुआ मैनुअल बुक पे 12,000 पे चेंज होता है स्पार्क प्लग। एयर फिल्टर नया डालेगा, प्लस यहाँ जो नीचे एक लाइट होती है, नीचे एक लाइट आती है। मैं सिग्नल पे था, मुझे किसने पीछे जाके हिट किया था शायद उसके वजह से फ्यूज हो गया, मुझे पता नहीं। ये लाइट इसके नीचे की बंद है, नंबर प्लेट पे जो आती है। और सबसे मेन बात जो खर्चा होने वाला है वो ये है, ये हमारे डिस्प्लेट ही गया हुआ इसके, इसमें पैड्स भी टिक नहीं रहे डिस्क पैड्स, तो ये चेंज होगा। ये 1200 रुपये का है। मेरे एक दो लोगों ने भी कमेंट किया था कि उनकी गाड़ी मिस मार रही है, मिस मतलब चलते चलते ऐसा करके बंद हो जा रही है अचानक से। सो मैंने उनको बताया मेरी गाड़ी में भी ऐसा हो रहा है। पहले तो मुझे लगा था विंटर है इसके ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं, उन्होंने रीज़न बताया जो स्पार्क प्लग है वो घिस जाता है, उसको चेंज करने का भी टाइम आता है तभी भी गाड़ी मिस मारती है। और अब मुझे लग रहा था कि टैंक में कचरा होगा, फ्यूल पंप में उसके से जाता होगा, लेकिन वो बात नहीं है। स्पार्क प्लग चेंज करने हैं, और 2,805 यार, अगर मैं 2,805 में से अगर वो पीछे का सिर्फ डिस्प्लेट ही है ना, उसका प्राइस ही 1200 रुपये है डिस्क प्लेट का, पीछे का 1200 माइनस कर दे तो मेरा वही नॉर्मली 1300-1400 रुपये जाते। इस बार ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि एयर फिल्टर्स भी नहीं डलने वाले उसमें, और स्पार्क प्लग भी, उसके वजह से ये प्राइसिंग इतना ज़्यादा हुआ है। चलता है, मीन्स 12,000 पे 12,000 मेजर सर्विस जैसा कंसिडर कर सकते हो। और ये पेड सर्विस थी, ये तो ख़त्म हो चुकी है, सॉरी फ्री सर्विस ख़त्म हो चुकी है, सॉरी अब पेड सर्विस आएगी इसके बाद में। 13 नेक्स्ट सर्विस का 15,000 पे, तो हमें एक आइडिया मिल चुका है, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 1200 रुपये देके। लेबर चार्जेस में 5,000 लेबर चार्ज जो 750 लगता है उसमें आपको 5% ऑफ मिल जाता है। स्पेयर्स में भी 5% ऑफ मिल जाता है। 3 सर्विस वैसे नॉर्मल जैसी हो जाती है, चलो आपको बोलेंगे आप कर लो, वो आप पे आपको लेना है कि नहीं। मुझे इतना ज़रूरी नहीं लगा क्योंकि टाइम है 15,000 सर्विसिंग पे। देखते जब 15,000 होगा तब देखा जाएगा लेना है कि नहीं, या फिर मैं बाहर से भी कर सकता हूँ, मेरे सामने मोटर का ऑयल डाल के। तो वीडियो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इम्प्रूवमेंट्स चाहिए मैं करता हूँ वीडियोस में भी, आज के दिन बाइक के नाम पे। एक्चुअली ये लोग ने कहा कि टाइम लगेगा, इसके लिए मैं थोड़ा बाहर चले गया था, बाइक ये लोग ने ले लिया अंदर। तो देखता हूँ क्या काम हुआ है, क्या काम चालू है। फिल्टर डाल दिए और स्पार्क प्लग। हाँ, स्पार्क प्लग कितना स्पार्क प्लग लगते हैं? स्पार्क प्लग का कैप ये पुराना है? पुराना। ये पुराना स्पार्क प्लग है। ओके, ये पुराना एयर फिल्टर, चलो सही है। कितने रहते हैं इसमें टोटल स्पार्क प्लग? दो है, एक ही है। ओके, नया स्पार्क प्लग, सॉरी नया एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, और पीछे का प्लेट है अपने पास है ना, चलेगा, वो भी डाल देंगे बाद में। योगेश भाई, इन्होंने पहले भी काम किया हुआ है, तो मैं योगेश भाई पे ही दूंगा।
हम के लिए ऑयल चेंज कर दिया क्या? ड्रेन किया ना, ये ऑयल ड्रेन हो गया और आगे का ब्रेक पैड साफ हो गया क्या? बाकी है ना, करना है ना, चलेगा। पीछे से स्टार्ट हुआ, चलेगा योगेश भाई, कोई बात नहीं। और यहाँ का बल्ब भी चेंज हो चुका है, गया हुआ था जो। अभी खुल रहा, आगे का ब्रेक पैड क्लीन होगा, ब्रेक पैड आगे क्लीन होकर वापस डाल देंगे, अगर गया होगा तो चेंज कर देंगे, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं गया होगा, क्लीन करके डाल देंगे अभी। ये हमारे ब्रेक पैड बहुत है, ज्यादा है, अच्छा है, मतलब सही है, घिसे नहीं है, इसे थोड़ा सा साफ करके लगा देंगे ना। ये नया वाला हमारा नया डिस्प्ले लग चुका है, फुल नया, सही है। पुराना वाला यहाँ आसपास होगा ना, दिखा देते हैं खाली। ये है पुराना वाला डिस्प्ले, गया था पूरा काम सही ना, लाइनिंग लाइनिंग। ये है नया डिस्प्ले, और ये भी नया लगेगा ना, उसका ब्रेक पैड भी देखो अच्छे हैं दोनों, क्लीन कर देता हूं। ये लाइन आया है इस पे, घिसेगा नहीं वो, क्लीन कर देता हूं। क्लीन से फर्क नहीं पड़ेगा ना, चलेगा। और ये है इंजन ऑयल जो हम डालेंगे, 30 LS चलेगा ये इंजन ऑयल, बाकी वॉश हो जाएगा, चैन सेटिंग हो जाएगा लास्ट में। और ये हमारा ब्रेक पैड क्लीन हो रहा है, चैन सेट हो चुका है, अभी ऑयल चेंज बाकी है, बस ऑयल कर देंगे बस, बाकी कुछ अभी ऑयल डाल देंगे, अभी ऑयल चेंज का प्रोसेस चालू है, ऑयल चेंज करके थोड़ा वॉश करके हो जाएगा बाकी सब। तो हमारी गाड़ी की ड्रैको का सर्विस हो चुका है कंप्लीट, टोटल बिल हुआ है 3097 का बिल हुआ, जिसमें इस बार बहुत ज़्यादा चार्जेस क्यों लगा वो इसके पीछे भी रीज़न है, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एयर फिल्टर नया डाला है, स्पार्क प्लग भी नया डाला है इसमें, ये स्पार्क प्लग भी नया डाला है, स्पार्क प्लग के ऊपर एक कवर आता है वो भी नया डाला हुआ है। और जो मेजर जो मुझे खर्चा आया है वो है इसमें, ये जो ब्रेक पैड है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है उनको पता होगा कि मेरा जो पुराना वाला ब्रेक पैड था, आपने वीडियो में देखा होगा, उसमें लाइनिंग आ गया था, ये सब उसके से क्या, जो ब्रेक पैड जो मैं नया डालता था वो टिकते नहीं थे, ये डिस्क मेरा ख़राब हो गया था सॉरी, और जो जितने भी मैं ब्रेक पैड डालता था वो टिकते नहीं थे, ख़राब हो जाते थे, क्रैक आ जाते थे, तो मैंने ये चेंज कर दिया। 950 का मुझे ये पड़ा, 250 लेबर चार्ज लगा इसका, और एक बल्ब है इसके, ये नीचे वाला बल्ब, ये नीचे वाला बल्ब भी मैंने नया डाला, फ्यूज़ हो गया था, ये नहीं भी डालता तो भी चलता, लेकिन मैं डाल लिया। बाकी सब बाइक ओके है, सुपर है, ऑयल भी चेंज हुआ है। सो बहुत सारे लोग पूछते थे, और मैं बताऊंगा, जेन्युइनली बताऊंगा, जो नवी मुंबई से हैं उनके लिए मीनाक्षी TVS इज द बेस्ट प्लेस सर्विस करने के लिए। योगेश भाई का नंबर मैं नीचे दे दूंगा, योगेश भाई का नंबर इसलिए मैं आपको नीचे दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इस बाइक पर 3 सर्विस स्किल हो गई, 5th सर्विस हो चुकी है, उन्होंने इस पर काम किया, काफ़ी अच्छा काम किया है, मुझे कुछ भी कंप्लेंट नहीं है, बहुत ही सही था, और चैन लुब्रिकेशन इसमें मिला के हुआ है बिल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करना अगर अच्छा लगा तो, और कमेंट करो आपको क्या लगता है बिल के बारे में, क्योंकि चैन लुब्रिकेशन मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट लगा, यहाँ पर 200 रुपीज़ समथिंग चैन लुब्रिकेशन का लेता है, वो मैं नहीं करता तो भी चलता, लेकिन छोड़ो जाने दो, एक ही बार जा रहा है, जाने देते, बाइक एकदम अच्छे से करके घर पे लेके आते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।